नमस्कार, जिप्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज भुजेंद्र चौहान, आई एम वर्किंग इन द जिप्सा एट द पोजीशन ऑफ फायर सेफ्टी फैकल्टी। यदि आप हमारे जिप्सा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे जिप्सा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वहाँ पे जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करें ताकि जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलता रहे। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसमें हम BLEVE के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि BLEVE होता क्या है तथा ये कैसे प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले BLEVE का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। BLEVE का फुल फॉर्म हम जानेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा बॉइलिंग लिक्विड एक्सपांडिंग वेपर एक्सप्लोजन। एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत आपको एक्सप्लोजन की प्रक्रिया प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि बॉइलिंग लिक्विड मतलब किसी प्रकार का यदि लिक्विड है यदि उसको बॉइलिंग किया जाता है, अब बॉइलिंग करने के लिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उतना यदि दिया जाएगा तो उसमें से वेपराइजेशन प्रोसेस क्रिएट होती है। वेपराइजेशन का मतलब जहाँ पे वेपर क्रिएट होगी और वो वेपर जो एक्सपांड करने की कोशिश करती है। और यदि कोई कंटेनर है, कोई हम बोल सकते हैं टैंक है जिसमें हमारा कोई लिक्विड जो है बॉइल किया जा रहा है और उसको जब वहाँ वेपर किट होता है तो हाई प्रेशराइज वहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है और जिसके तहत वहाँ पे यदि किसी भी कंटेनर में, टैंक में या बॉयलर में या रिएक्टर में किसी प्रकार का रप्चर आ जाता है, खराबी आ जाता है तो उसी लोकेशन से जो वहाँ पे वेपर क्लाउड क्रिएट होता है वो रिलीज होने की कोशिश करता है। ऐसे कंडीशन में हमें एक प्रकार से एक्सप्लोजन की जो चांसेस है वो नज़र आता है। तो जो बॉइलिंग लिक्विड एक्सपांडिंग वेपर एक्सप्लोजन है ये एक प्रक्रिया है जिसमें जब बॉइलिंग टेम्परेचर दिया जाएगा तब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज हो जाती है और वेपर वहाँ क्रिएट वेपर क्लाउड क्रिएट हो जाता है और जो रिलीज होने के लिए जो कमजोर कड़ी होती है या फिर बोल सकते जो रप्चर का पार्ट है या फिर जो पार्ट किसी कंटेनर का, टैंक का, बॉयलर का जो एक तरीके से खराब हो जाएगा उसी वहाँ से ही वो कोशिश करता है रिलीज होने की, जिसके तहत वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट या फिर एक्सप्लोजन आपको देखने को मिलता है। धन्यवाद।